हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास ये इंचीज के जो स्पिनर्स होते हैं, आप देखेंगे हमारे इंचीज के जो स्पिनर्स हैं, इन स्पिनर्स में आप ये नंबर्स देखेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन नंबर्स जो हैं, इन नंबर्स का क्या मतलब होता है इंचीज के स्पिनर्स का, इस नंबर्स और इसके साथ में जो नट, जो ये बोल्ट हमारे साथ इसमें लगने वाले होते हैं बोल्ट, उन बोल्ट की क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो हमारे स्पिनर्स पे साइज लिखा होता है, वो साइज़ में उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस इंची साइज स्पिनर्स के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना अगर आप इस इंचेज स्पिनर के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके वहाँ से लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो स्पिनर है ये क्या है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये इंचेज साइज जो स्पिनर्स होते हैं उनका एक कंप्लीट सेट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एक स्पिनर को मैं उठा के एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या समझने वाले हैं। आप देखेंगे जो इंची साइज का हमारा जो स्पिनर है, इस साइज में यहाँ पर देखिए 3x4W 7x8BS, इस तरह से ये साइजेस लिखे होते हैं। इसी साइजेस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कोई भी जो बोल्ट होता है उसके हेड को फिट करते हैं। तो ये जो साइज लिखा हुआ है वो साइज क्या होता है, इस साइज का मतलब क्या है, इसमें जो ये W वाला साइज लिखा है 3x4W और 7x8BS, ये क्या साइज है, किस साइज के बोल्ट में लगेगा, इस साइज में ये सारा बोल्ट में कहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारा कुछ सारा हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नट और मीट्रिक साइज़ के स्पिनर्स के साइज़ के अगर फार्मूले के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी साइज़ में किस साइज़ का स्पिनर लगता है, तो वो मैंने वीडियो पहले बनाई है, लिंक मिलेगा आई बटन में, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए जैसे कि मैं एक स्पिनर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला स्पिनर, इस स्पिनर में देखिए यहाँ पर 9x16W 5x8BS, इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना, बहुत सारे मैंने दिखाया है कि आपको ये बताते हैं कि इसमें इसका पिच है या फिर इनर डायामीटर है, इस तरह से बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग के हिसाब से मैं आपको बोल्ट की पूरी टर्मिनोलॉजी दिखाऊँगा, पूरा का पूरा समझा के दिखाऊँगा। जैसे कि मैं आपको एक बोल्ट दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये हमारा एक बोल्ट है जो कि 5 सूत का बोल्ट है, यानी 5x8 5 सूत का बोल्ट है, और इस 5 सूत, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5x8BS, यानी 5 सूत, ये 5/8 लिखा हुआ है, ये 5 सूत है। ये लिखा है 9x16W, ये इसको हम 4.5 सूत बोलते हैं, 9/16, यानी 9x16 9/16W, ये हमारा 4.5 सूत है, और ये जो है 5x8BS, यानी ये 5 सूत है। तो देखिए, ये जो बोल्ट लिया हुआ है मैंने, ये 5 सूत का बोल्ट है, आप मेरे हाथ में यहाँ से देखेंगे ये 5 सूत का बोल्ट है, और इस 5 सूत के बोल्ट को ये स्पिनर देखेंगे यहाँ से बिल्कुल फिट हो रहा है। तो आप एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है यहाँ पर, कि जो बोल्ट है ये 5 सूत का हमारा बोल्ट है, 5 सूत का बोल्ट है, और ये हमारा जो बोल्ट है 5 सूत का बोल्ट है, और इसमें ये वाला हमारा यहाँ पर 5x8BS, ये स्पिनर इसमें बोल्ट में लग रहा है इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद अब बात करनी हमें समझना है ये 9x16W, इसका क्या मतलब है, क्योंकि कई बार कई देखा है कि जो बोलते हैं इसमें पिच, ये चीज़ें नहीं होती। हम इसके लिए हमें एक बार, मैं आपको इस बोल्ट की पूरी टर्मिनोलॉजी दिखा देता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कि कई बार बोलते हैं कि इसका इनर डायामीटर हो सकता है, पिच डायामीटर, माइनर डायामीटर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 5 सूत का बोल्ट है, आप इसके 5 सूत के बोल्ट को यहाँ इसके डाय से आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से इसका 5 सूत का बोल्ट है, इसकी TPI चेक कर सकते हो कि 5 सूत में जो TPI होती है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, स्क्रू पिच गेज है मेरे पास, स्क्रू पिच गेज की हेल्प से आप देखिए यहाँ पर इसमें 11 गेज की चूड़ी, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें लगा के दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए, तो इसमें मैंने यहाँ पर ये स्क्रू पिच गेज लिया है, और स्क्रू पिच गेज को देखेंगे तो इसमें 11G लिखा हुआ है 5x8, यानी ये जो गेज है ये हमारा
ये इस गेज में, ये 5 सूत के बोल्ट के लिए गेज है और इसको हम इसमें इसकी पिच को लगा के मेंशन करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो रही है इसमें, इसका मतलब ये 11 गेज की चूड़ियां हैं और 11 गेज की चूड़ियों का स्टैंडर्ड होता है 5 सूत के बोल्ट में 11 गेज की चूड़ियां कटी होती है इसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, BSW जो थ्रेड होती है हमारी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्ड थ्रेड। तो ये 5 सूत का बोल्ट एक तो हमारे यहाँ से हुआ, दूसरी हम इसके डाई को चेक कर सकते हैं स्क्रू पिच गेज पे। दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो इसके इस पर मैं और पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको इसका पूरा साइज, इस 5 सूत के पूरे साइज जो बोल्ट है उसको मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको ये क्या चीज़ है, क्योंकि कई कन्फ्यूजन हमारी जो क्रिएट है वो ना हो। इसके लिए देखिए जो 5 सूत का बोल्ट है मैंने यहाँ पर सारे साइजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कि देखिए इसमें जो 5 सूत का बोल्ट है हमारा ये 5x5 सूत, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करके 15.88 mm कन्वर्ट होगा, और जो स्पिनर का साइज है हमारा वो लिखा है उसमें 9x16W 5x8BS। इसके बाद जो 9x16 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं mm में तो 14.28 mm बनता है। इसके बाद इस बोल्ट का जो अगर मेजर डाई की बात करें तो मेजर डाया रहेगा इसका 15.876 mm। पिच इसकी बात करें, पिच ये mm में, ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो सभी की सभी mm में है। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो mm में है ये भी, ठीक है। तो इस बोल्ट में जो पिच रहेगी, पिच जैसा कि इंचेस की बोल्ट में हमें TPI मेंशन किया जाता है, पिच हमें निकालनी होती है 1/TPI करके हम पिच को निकाल सकते हैं। तो इसके पिच जो है वो 2.309 mm होगी, TPI इसकी 11 TPI जैसा कि मैंने अभी आपको चेक करके बताया था, इसकी TPI 11 TPI है। और पिच का जो डायामीटर है, पिच डायामीटर वो भी हमें निकालना होता है, तो पिच डायामीटर इसका आएगा 14.397 mm। उसके बाद इसका मेजर जो माइनर डाया इसका 12.918 mm, और 9 कई बार बोलते हैं कि इसका माइनर डाया दोस्तों नहीं हो सकता है, क्योंकि 9/16 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 14.28 होगा, जबकि 5 सूत के जो बोल्ट है उसका माइनर डाया होता है 12.918 mm। उसके बाद बात करते हैं विड्थ अक्रॉस फ्लैट, यानी जिसको हम AF भी बोलते हैं, इसको दो साइजेस होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो होता है वो 0.938 इंचेस होगा और मिनिमम होगा वो 0.922 इंचेस। अब आपको ये विड्थ अक्रॉस फ्लैट है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ये विड्थ अक्रॉस फ्लैट जो होती है वो आपकी ये जो बोल्ट होता है हमारा इसमें ये जो ये साइज होता है, यानी फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस को विड्थ अक्रॉस फ्लैट बोला जाता है, जिसमें हम ये स्पिनर को यहाँ पर लगाते हैं, ये होती है हमारी इसकी विड्थ अक्रॉस फ्लैट। तो जो विड्थ अक्रॉस फ्लैट होती है लगभग हमारी 1 इंच के आसपास होती है, थोड़ी सी कम रहेगी उसमें। तो ये हमारा इसका 5 सूत के बोल्ट का पूरा की पूरी टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं इसमें, देखिए इसमें हमें कहीं भी 4.5 सूत का साइज इस पूरी बोल्ट की टर्मिनोलॉजी में नहीं मिला है। 5x8 जो है वो इसकी शाफ्ट का साइज है, राइट, 5x8BS। अब 9x16W, अब हमें इसके बारे में समझना है कि ये क्यों लिखा हुआ है इस स्पिनर पे, जबकि इस बोल्ट में तो ऐसा कोई साइज है ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जो 9x16W लिखा है ये विदवर्ट बोल्ट है, और ये 5x8 जो BS बोल्ट है, जो ये जो हमारा W वाले विदवर्ट बोल्ट थे 1924 से पहले ये क्या थे, ये दूसरे बोल्ट हम यूज करते थे, विदवर्ट बोल्ट यूज करते थे। उन बोल्ट्स में क्या था, उनका जो ये हेड है वो ज़्यादा होता था, हेड का साइज बड़ा हुआ करता था, जिसमें हमने क्या किया 1924 में हमने क्या किया, इसके हेड के साइज को स्टील की जो इसमें स्टील लगी हुई है इसकी सेविंग करने के लिए हमने इसके साइज को थोड़ा सा कम किया। कम करने के बाद क्या हुआ, दो स्टैंडर्ड बन गए, एक तो विदवर्ट स्टैंडर्ड और एक BS स्टैंडर्ड। तो दोनों ही स्टैंडर्ड्स के बोल्ट इस टाइम मार्केट में थे, कि विदवर्ट के भी थे और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के बोल्ट भी थे, तो मशीनरी ऑटोमोबाइल्स में हमने दोनों ही तरह के बोल्ट्स यूज हो रहे थे। उसके बाद इसी प्रोसेस को चलता रहा, 1960 में जाके हमने इसको बंद कर दिया, अब हमारा ये BST स्टैंडर्ड वाले ही बोल्ट आ रहे हैं, ये कम हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारी मशीनों में, ऑटोमोबाइल्स में, कई जगह हमारे ये विदवर्ट वाले बोल्ट भी
होते हैं। तो क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग जो स्पिनर मैन जो हमारी ये स्पिनर्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरर हैं स्पिनर मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने क्या किया कि क्यों ना उन्होंने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है कि ये जो स्पिनर है वो 9x16W यानी विध्वस्त 450 के विध्वस्त वोल्ट में भी लगना चाहिए और 5x8BS यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाले वोल्ट में भी 5 सूत के बोल्ट में दोनों ही साइज़ में ये बोल्ट लगना चाहिए। तो स्पिनर्स को किस तरह से ये डिज़ाइन किया है क्योंकि इसका मतलब ये अब एग्जैक्ट इसका मतलब ये है कि 9x16W जो है ये 450 के जो विध्वस्त बोल्ट थे उनके हेड में भी ये फिट हो जाएगा और ये जो 5x8 यानी 5 सूत के जो BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड बोल्ट है उनमें भी ये स्पिनर यूज होगा। और आजकल हम जो यूज करते हैं वो 5x8BS ये वाले बोल्ट हम आजकल ज़्यादा यूज करते हैं। ये पुरानी मशीन्स में पुरानी जगह पुरानी जो ऑटोमोबाइल्स की मशीनें हैं उन सभी में कई कई जगह आपको ये बोल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो हेड है इसका विध्वस्त वाला हेड का हेड बड़ा था। अभी देखिए ये जो बोल्ट है ये पाँच ये जो साइज है 5 सूत के बोल्ट में भी ये स्पिनर लग रहा है और यही स्पिनर पहले 450 के स्पिनर्स में 450 के बोल्ट में ये स्पिनर फिट होता था। इसका मतलब हमने आधे सूत का इसका साइज में कम कर दिया है। इसका मतलब जो पहले था ये 450 में लगभग 1 इंच इसकी वृत्त अक्रॉस फ्लैट होती थी, मैंने इसलिए पहले आपको वृत्त अक्रॉस फ्लैट बताया। तो विलित 4.5x7 सूत के बोल्ट में इसकी वृत्त अक्रॉस ये हो इतना डिस्टेंस कवर करती थी, अभी ये 5 सूत के बोल्ट में कवर करती है। जिससे कि क्या हुआ हमारी बोल्ट के हेड के साइज़ को कम किया हमने, जिससे हमारी जो इस स्टील है जो इसमें मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग कम हुई और वही काम हमारा उतना ही हो रहा है उससे भी, और उससे भी तो हमारी जो मेटल है उसकी कॉस्टिंग को कम किया गया। इसी के लिए हमने यहाँ पर जो स्पिनर मैन्युफैक्चरर है उन्होंने दोनों ही साइज़ को मेंशन किया है, 9x16W भी और 5x8BS भी, दोनों ही स्टैंडर्ड्स में स्पिनर्स लग सकते हैं। तो ये एक्चुअल में इस स्पिनर का मीनिंग होता है। कई बार बहुत सारे मैंने देखा है कि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें जो स्पिनर का साइज है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो दोस्तों ये तो था आज की इस वीडियो में स्पिनर्स के साइज़ के बारे में कि ये स्पिनर्स में जो साइज़ होता है इसमें इसका क्या मतलब होता है क्या मीनिंग होता है। आई होप दोस्तों आपको इसको लेकर जो भी डाउट्स होगा वो मैंने क्लियर कर दिया होगा इस वीडियो में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।